वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड वेलकम टू ऑल अबाउट। कैसे हैं भाई? न्यूज पढ़ रहा था मैं, बता देता हूँ आप लोगों को। WHO नेम द कोविड 19 वेरिएंट दैट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया नेम्ड डेल्टा। प्रीवियस वन विच वॉज फाउंड दैट वॉज कप्पा। तो डेल्टा और कप्पा ये क्या है जो कोविड 19 वेरियंट इंडिया में पाए गए? बोला गया म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन। तो वो जो वेरियंट पाए गए थे उनका नाम रखा गया डेल्टा एंड कप्पा, इंडिया के कोविड 19 वेरिएंट है। टुडे इज 1st of June 2021, राइट? द सिक्स्थ मंथ हैज बीन स्टार्टेड, छठवां महीना चालू हो चुका है 2021 का, राइट? रिसेंटली 2021 वाज स्टार्टेड। आपको लग रहा होगा सर कुछ ही दिन तो हुए थे, अभी तो 21 चालू हुआ था, एंड वी वर थिंकिंग दैट 20 वाज बैड, 21 विल बी गुड। बट सर ये तो उससे भी बुरा रहा, तो सिक्स मंथ ऑलरेडी, सिक्स मंथ स्टार्ट हो गए हैं, फिफ्थ मंथ कंप्लीट हो गए हैं, एंड सून वी विल बी एंड ऑफ। मतलब ऐसे ही चलता रहा, इसी स्पीड में चलता रहा, दैट लॉकडाउन देन अनलॉक देन लॉकडाउन देन अनलॉक, तो 2021 भी चला जाएगा एंड विल नॉट बी, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कब 2021 स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। The lots of student, lots of candidate, those were preparing, they utilized the lockdown properly. उन्होंने क्या किया था? बढ़िया से तरीके से lockdown को utilize किया. And once the notification came out and the government, definitely this year also government will be going to conduct the examination. ऐसा नहीं है कि इस साल exam सरकार जो है last year नहीं करवा ली थी, इस बार नहीं करवाएगी। Exams तो होंगे, आप मान लो। अब तो vaccination भी एक बहुत बड़ा process चल ही रहा है, right? तो एग्जाम्स तो इस बार होंगे ही होंगे। आप ये मत सोचो कि बहुत पोस्टपोन्ड होने वाले हैं या कुछ है। हाँ, कल इन्फॉर्मेशन आया कि एसबीए क्लर्क का एग्जाम जो है कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट डेट विल बी अनाउंस्ड लेटर व्हेन द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। तो ये मत सोचना कि एग्जाम 6 महीने बाद होगा या साल भर बाद होगा। एग्जाम्स अभी होंगे। कब होंगे? बहुत जल्दी होंगे। और बाकी नोटिफिकेशंस भी जो है अवेटेड है। एसबीआई पीओ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन, वो आएगा ही आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ठीक। तो ये तो बात हुई सर, एग्जाम्स होंगे, बिल्कुल होंगे। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, वेल प्रिपेयर्ड रहना है पहले से। सो वंस द नोटिफिकेशन विल बी आउट, वंस द एग्जाम डेट विल बी कंफर्म्ड, यू ऑल विल बी रेडी फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन। Still lots of student, those started preparation this year, what they are doing is they will be preparing only for the pre-examination. ऐसा होता है, जिन लोगों ने भी first time preparation start की है ना, वो pre के लिए preparation करेंगे। But वो pre के लिए जब preparation कर रहे होंगे, उनका सबसे बड़ा mistake यही है कि वो mains को या GA को deny कर रहे हैं, GA को underestimate कर रहे हैं, और वो GA ही रुलाता है mains examination में। 0.25 से सिलेक्शन रुकना, 0.35 से सिलेक्शन रुकना, इट शोज टू इंपैक्ट दैट फर्स्ट यू वर वीक इन जीए, आप वीक थे जीए में, दूसरा थोड़ा तो हार्ड लक चल रहा है सर। और हार्ड लक का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, उसका कॉम्बो बनाओ आप, आपका हार्ड लक जो है वो काम करना बंद कर देगा। हार्ड लक विल बी अ वेरी गुड लक टू यू, ठीक है। यू कैन नॉट बिलीव In God until unless you does not believe in yourself. जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं ना कि भगवान भी तभी मदद करेगा जब अपनी मदद करना सीखोगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, a great person Swami Vivekananda said that until unless you will not believe in yourself, you can't believe in God. तो भगवान के भरोसे बैठने से कोई भी मतलब नहीं है अगर आपका खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर, काफी बातें कर ली आज मैंने। पहले आपको बता दूं कि हमारे जो नए बैचेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। मिशन एसएससी एमटीएस 5th ऑफ मई से, एसबीए क्लर्क क्रैश कोर्स 24th ऑफ मई, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चालू हो गया, मैं भी ज्वाइन करने वाला हूं, आप लोग भी ज्वाइन कर लें। सो गाइस देयर इज अ कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, प्रैक्टिकली आई एम गोइंग टू ज्वाइन इट, आई एम गोइंग टू वॉच द सेशंस, एंड 24th ऑफ मई से क्लासेस स्टार्ट हुए हैं इसके, स्पोकन इंग्लिश के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड एमए H, that is Maharashtra CET MBA course, this is an entrance course. So now All Aboard will be in MBAs also. जो भी आपके friend planning कर रहे होंगे उनको बता दीजिएगा कि entrance, MBA entrance examinations के courses and classes, means classes and mock test both will be available on All Aboard
वेबसाइट नाउ। 4th of June से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर 2-3 डेज राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का बैच स्टार्ट हो रहा है 9th of June से। सो राजस्थान वाले जितने भी लोग हों उनको जगा दें, बता दें कि ऑलिव बोर्ड इज देयर नाउ फॉर देम एज वेल। SBI क्लर्क का बैच ऑलरेडी चल रहा है, मैंने इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी थी। देश की बात में बात कर लेते हैं, नो एग्जाम न्यूज है, पहले ही बता दूं नो एग्जाम न्यूज है। इफ यू बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश यू शुड नो अबाउट दिस थिंग इफ यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है और आप उत्तर प्रदेश से हैं तो जान लीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, अदरवाइज आपको किसी वैक्सीनेटेड दोस्त भाई रिश्तेदार की जरूरत पड़ेगी सर इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SBIPO। गौरव जी इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू द प्रिपरेशन दे कैन फाइंड मी ऑन टेलीग्राम ऑन एनी टेलीग्राम ग्रुप ऑफ हॉलीवुड यू विल बी एबल टू फाइंड मी इन द एडमिन्स। पिंग मी पर्सनली देयर इज नो हेजिटेशन नो रिस्ट्रिक्शन दैट एनी स्टूडेंट कांट पिंग मी। You can ping, you can drop the message to me in the personal chat. तो आप personal chat में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए तो news यहां पर सुन लेते हैं, उत्तर प्रदेश से बात करते हैं। सर आज से unlock हो गया है and by 10 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock the shops will be open, the liquor shops will be open. But Itawa district में जो collector हैं, जो DM हैं, उन्होंने order किया है कि आप उन्हीं को सेल करेंगे। SDM जो है उन्होंने ऑर्डर किया है कि आप उन्हीं को सेल करेंगे लिखकर जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, मतलब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने के बाद ही बॉटल पास की जाएगी। तो ये हुई फर्स्ट न्यूज उत्तर प्रदेश से। दूसरी, गाइडलाइंस फॉर इन्फ्लुएंशियर एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मीडिया। देखिए क्या होता है कि कुछ अच्छे चैनल्स की अगर हम बात करें, जैसे अगर आपने कभी लल्लन टॉप देखा हो, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं उसका, बस अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो अगर आपने लल्लन टॉप देखा हो तो उसमें वेन एवर दे स्टार्ट अ न्यूज, जब भी वो कोई एक न्यूज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, उनके उसमें लिखा होता है कि पेड एडवर्टाइजमेंट, मतलब पता होता है कि हाँ भाई ये पेड एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। जैसे अभी मैं पेड नहीं कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट, अगर मैं लल्लन टॉप की बात कर रहा हूं तो मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूं। अब यहां पर जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, आई विल डिस्कस द न्यूज बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो जस्ट वेट गाइड। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया रिलीज द गाइडलाइंस दैट फ्रॉम 14th of June, नोट डाउन द डेट, फ्रॉम 14th of June इट विल बी कंपल्सरी टू लेबल द पेड पोस्ट बाय द इन्फ्लुएंसर। अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर सर्विस, वॉट एवर इट इज, इफ दे आर डूइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट एंड इट इज पेड, देन इट शुड बी लेबल दैट एज अ पेड प्रमोशन। तो उसको आपको एज अ पेड प्रमोशन रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो 14 June से ही ये गाइडलाइन आपकी इफेक्ट में आएंगी। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इफ यू आर अ इन्फ्लुएंसर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, विहार इज आस्किंग सर व्हाट इज लल्लन टॉप, इट्स अ न्यूज चैनल, इट्स अ डिजिटल मीडिया चैनल। डिजिटल मींस यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट ऑन टीवी, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक एंड अदर प्लेसेस। ठीक, चलो भाई, संतोष झा जी वैक्सीनेटेड है, साहब को मिल जाएगी, हाँ वैक्सीन लगवा लो, यूपी सरकार का यही कहना है। अगर आपको चाहिए है व्यवस्था है तो उसके लिए पहले लगवा लें क्या वैक्सीनेशन। चलिए चलते हैं MCQ नंबर 1 पे, 4 MCQ डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स द न्यूज ऑफ द डे, आज के न्यूज की तरफ मूव करेंगे। अंडर PM केयर फॉर द चिल्ड्रन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ हाउ मच अमाउंट विल बी ओपन इन द नेम ऑफ सच चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड। कोविड के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन बच्चों के नाम पर कितने रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट, कितने रुपए का FD भारत सरकार द्वारा PM केयर फंड के अकाउंट से खोला जाएगा सर। तो करेक्ट अमाउंट है 10 lakh rupees, 10 lakh rupees अमाउंट यहां पर जो है FD ओपन किया जाएगा। व्हेन दे विल कंप्लीट द एज ऑफ 23 years, 23 साल की उम्र पूरी होने पर द लमसम अमाउंट विल बी गिवन टू देम। तो जो उनका 10 लाख रुपए का अमाउंट है वो उनको दे दिया जाएगा 23 साल की उम्र में। व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी गिवन एवरी मंथ इन द फॉर्म ऑफ
स्टाइफंड, जो भी इंटरेस्ट उस पर बनता है वो उनको हर महीने दिया जाएगा स्टाइफंड के रूप में। यहां पर एजुकेशन रिलेटेड भी काफी सारे अनाउंसमेंट हुए थे। इन द एजुकेशन 10 इयर्स, अंडर 10 इयर्स स्टूडेंट विल बी सेंड टू द नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल एज अ डे स्कॉलर। 11 to 18 नवोदय और सैनिक स्कूल दे विल गेट द एडमिशन। फॉर हायर एजुकेशन दे विल गेट द एजुकेशन लोन एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन लोन विल बी पेड बाय द पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड उसका एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। नेक्स्ट वन। अच्छा, अभी एक पॉइंट मैंने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करी आप लोगों से। क्या हो गया यार, बफरिंग हो रही है क्या? मेरा तो लैपटॉप स्टक हो गया था। ठीक, अभी ठीक है ना सर? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मैंने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की, तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का नाम बता दे आप लोग तो बढ़िया होगा, कोई बफरिंग नहीं है। ठीक है, ऑल ओके, वेरी गुड। सो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन रीनेम्ड टू IBDF, व्हाट इज डी स्टैंड्स फॉर इट? तो करेक्ट आंसर है डिजिटल। फुल फॉर्म हो गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, जो आपके OTT प्लेटफॉर्म है, जो आपके डिजिटल मीडिया है। तो टू कवर द OTT प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल मीडिया अंडर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक दिस स्टेप। इट्स अ गवर्नमेंट नोडल एजेंसी, गवर्नमेंट की एजेंसी है। एंड इट इज द रीनेम हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, विच वर नोटिफाइड ऑन 25th of February 2021। आप 26 फेब का TNA ओपन करके देख लो, इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। 26-27 के TNA में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, दैट व्हाट आर द गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस मैंने 110% डिस्कस की होंगी, कोई टॉपिक हम स्किप नहीं करते, तो आपको मिल जाएगा। मिस्टर के माधवन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ बिहारी का आंसर ने किया है, कुछ लोगों ने किया है आंसर, मनीषा कपूर जी, काफी लोगों ने किया है, शशांक ने लिखा है, स्नेहा ने लिखा है, ठीक है, राजा ने लिखा है, श्रुत्यंजय ने लिखा है, मनीषा ने लिखा है, बहुत से बच्चों ने, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था नहीं कर रहा हूं आंसर। ठीक है, तो मनीषा कपूर जी जो है वो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है। अभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, उसका भी उनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। टाटा डिजिटल एक्वायर हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टेक इन बिग बास्केट रिसेंटली? बिग बास्केट ये उन मक्कार लोगों के लिए बनाया गया ऐप था जो बाजार नहीं जाना चाहते सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, लाइक मी। सो व्हेन आई वाज इन बेंगलुरु, मेरे साथ भी यही था कि वीकली 2-3 टाइम आप बिग बास्केट से ऑर्डर कर दें ग्रोसरी एंड वेजिटेबल, मिल्क इवन विल बी एट होम, और आपको जो है मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। अभी जो बिग बास्केट है इसको एक्वायर किया है टाटा डिजिटल ने, कितना परसेंट? 64% का एक्वायर किया टाटा डिजिटल ने। फाइनेंशियल डिटेल्स जो है उनको डिस्क्लोज नहीं किया है, दैट हाउ मच अमाउंट पेड बाय टाटा डिजिटल फॉर एक्वायरिंग 64% स्टेक इन द बिग बास्केट, तो वो अमाउंट जो है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन, ऑन विच बैंक RBI has imposed 10 crore rupee penalty over the irregularities in the auto loan portfolio? Auto loan portfolio में अनियमितताओं को देखते हुए किस बैंक पर RBI ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? HDFC बैंक जी, इतना बड़ा अमाउंट है 10 करोड़, छोटे मोटे बैंक पर तो लगेगा ही नहीं, राइट? 10 करोड़ रुपए पेनल्टी जो है ये लगाया है किस पर? HDFC बैंक पर। कल मैं इसका स्टॉक ट्रैक कर रहा था कि ये न्यूज आ गई है, स्टॉक प्राइस में कुछ फॉल आया है क्या? कोई फैक्ट नहीं, मतलब इतना ट्रस्ट है इन्वेस्टर्स का HDFC पर, कोई इफेक्ट नहीं था बैंक के स्टॉक प्राइस में, वैसा का वैसा चलता रहा। आते हैं न्यूज की तरफ गाइस, आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं हमारे TNA के। सो टुडेज न्यूज एनालिसिस रिलेटेड टू नेशनल इंटरनेशनल
एंड स्टेट इन न्यूज, स्टार्टिंग विद द न्यूज नंबर वन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मड अ सेवन मेंबर कमेटी, सात सदस्यीय एक समिति बनाई है स्टेट मिनिस्टर्स की. रिपीटिंग अगेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मड अ सेवन मेंबर कमेटी ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स फॉर बेटर वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज ऑफ कैसीनोज, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल, रेस कोर्स कंपनीज टू लेवी जीएसटी ऑन देम. हिंदी में सुन लीजिए, सात सदस्यीय समिति बनाई है भारत सरकार ने, किनके लिए, जो आपके ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल है, आप लोग भी यूज करते होंगे बहुत सारे गेमिंग पोर्टल्स, राइट. तो जो आपके ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल है, इवन आई डोंट नो द लूडो किंग का नाम पता है मुझे, हाँ. तो इस तरीके के जो आपके गेमिंग पोर्टल हैं और कैसीनोज हैं, रेस कोर्स हैं, ऐसी कंपनीज का वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज निकालना, दैट हाउ मच प्रॉफिट दे आर जनरेटिंग एक्चुअली फ्रॉम हियर. सो गवर्नमेंट कैन इंपोज व्हाट, जीएसटी ऑन देम. तो सरकार उनके ऊपर जीएसटी लगा सके. द सेवन मेंबर कमीशन विल बी और कमेटी विल बी लीड बाय गुजरात डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर नितिन पटेल. नितिन पटेल साहब जो हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर, ये हेड होंगे इस सात सदस्यीय, इस सात सदस्यीय समिति के. पॉइंट क्लियर है. चलिए अगले न्यूज पर आते हैं. नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू कमेटीज की ही बात करते हैं. अगला पॉइंट कमेटीज से ही संबंधित है. जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर्मड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर. एक और जीएसटी काउंसिल जो है हमारा, उसने एक और कमेटी बनाई, अनादर कमेटी. सो जीएसटी काउंसिल फॉर्मड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑर्डर टू डिसाइड द रेट रिलेटेड टू द कोविड 19 रिलीफ मटेरियल. कोविड 19 रिलीफ मटेरियल पर, कोविड 19 रिलीफ मटेरियल पर टैक्स जीएसटी को डिसाइड करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का वो बनाया गया, मतलब एक ग्रुप बनाया गया, एट मेंबर कमेटी बनाया, सिंपल करें तो. This eight member committee will be led by Meghalaya Chief Minister Mr. Conrad M. K. Sangma. Conrad K. Sangma. ये हैं chief इस committee के. अब ध्यान से सुनिएगा. Government at present imposing 5% of GST on domestically manufactured vaccine. अब देखो vaccine कौन purchase करता है? कौन परचेस कर रहा है वैक्सीन? वैक्सीन परचेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी तक तो गवर्नमेंट कर रही थी. नाउ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट दैट वी गाइस कैन बाय इट एंड वी कैन टेक द वैक्सीनेशन. बट अभी तक तो पूरा गवर्नमेंट परचेस कर रही थी, उस पर भी टैक्स लगा रहे थे. 5% का टैक्स लग रहा था, ठीक. 12% टैक्स ऑन द कोविड ड्रग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर. इसको कम किया गया था, 28% था पहले, डिक्रीज करके 12% किया है. मतलब 12% सोच समझ के डिसाइड करके 12% हुआ है. अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हैंड वॉश डिसइंफेक्टेंट थर्मोमीटर 18% का जीएसटी. तो ये जीएसटी के अभी रेट्स चल रहे हैं, ये सारे के सारे जीएसटी के रेट्स चल रहे हैं ऑन दीज लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स एट प्रेजेंट ड्यूरिंग द कोविड 19. कोविड 19 नॉट केम यस्टरडे, इट बीन मोर देन वन एंड हाफ ईयर कोविड 19 इज देयर इन इंडिया. डेढ़ साल हो गया लगभग. पहला केस आप देखें तो मार्च में आ गया था लास्ट ईयर. मार्च में भी नहीं, मतलब जैन में एक केस आ गया था केरला में, पहला केस. और मार्च तक तो अच्छा खासा इंपैक्ट होने लगा था इंडिया में. इट्स बीन मोर देन वन एंड हाफ ईयर कि कोविड के केसेस इंडिया में हैं. और नाउ आर गवर्नमेंट, आर प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड द जीएसटी रेट्स ऑन दीज प्रोडक्ट. अब हमारी सरकार बहुत जल्दी, बहुत अच्छे समय पर कदम उठाने जा रही है कि जीएसटी के रेट्स जो हैं इस पर डिसाइड किए जा सके. तो कमेटी के चेयरपर्सन होंगे मिस्टर कॉनरेड के संगमा सर, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है. मैं कुछ बात करने वाला था जीएसटी के ऊपर, पता नहीं दिमाग से निकल गई शायद. ठीक है, एक दो पॉइंट सुन लें जीएसटी से रिलेटेड. जस्ट जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन 1st of July 2017. और कमेटी का नाम आपसे पूछने वाला था, दैट विच कमेटी रिकमेंडेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया. भारत में जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो कब हुआ था सर?
भारत में जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ वो 1 जुलाई को हुआ, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था, विच कमेटी रिकमेंडेड जीएसटी। नेक्स्ट न्यूज पर मूव कर रहा हूं मैं, आपके कमेटी वाले आंसर का वेट कर रहा हूं कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, नहीं बिमल जलान गलत है, बिमल जलान गलत है, विजय केलकर करेक्ट लिखा है जी, विजय केलकर कमेटी परफेक्ट है, वेरी गुड। सो विजय केलकर कमेटी रिकमेंडेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, नोट करके रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, करंट नहीं स्टैटिक जीके क्वेश्चन बनकर रहेगा, अभी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस आप बोल सकते हो, स्टैटिक फाइनेंशियल न्यूज आप बोल सकते हो, तो वो आपका क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार रहेगा। सीबीएसई नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल न्यूज, सीबीएसई लॉन्च्ड नेशन वाइड यंग वॉरियर मूवमेंट टू एंगेज 5 मिलियन यूथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना यूथ टारगेट किया है, 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट द COVID-19 एंड द मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंपैक्ट 50 मिलियन पीपल, 5 मिलियन लोगों को टारगेट किया है और इंपैक्ट करेगा 50 मिलियन को, कैसे पॉसिबल है सर, 5 मिलियन टारगेट कर रहे हो 50 मिलियन को इंपैक्ट करेगा, कैसे पॉसिबल, पॉसिबल ऐसे है दैट इफ 1 पर्सन इन अ फैमिली गेट लिटरेट एजुकेटेड दैट पर्सन कैन हेल्प टू द अदर पीपल ऑफ द फैमिली, कि एक व्यक्ति पढ़ लिख जाए तो वो बाकी सदस्यों की मदद कर सकता है, वही इन्होंने टारगेट किया हुआ है सीबीएसई ने। तो सीबीएसई ने एक्चुअली व्हाट इज दिस ओवरऑल मूवमेंट, क्या है ये यंग वॉरियर मूवमेंट, इसके बारे में सुन ले। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स बिटवीन द एज ग्रुप 10 to 30, इसलिए कहा गया यंग लोग, क्या बोला गया यंग, आर यू देयर इन द लिस्ट ऑफ यंग, हो गया आप लोग यंग वाली लिस्ट में, 30 के अंदर हो, तो स्टूडेंट एंड टीचर्स एज बिटवीन 10 and 30 दे कैन ज्वाइन दिस मूवमेंट टू सेव गार्ड themselves, देयर फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द कंट्री। क्या ही इन दिस मूवमेंट दे हैव टू प्रमोट द एक्सेस ऑफ हेल्थ सर्विसेस, एसेंशियल सर्विसेस, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मिथ बस्टिंग एसेट्रा, क्या क्या करना है, ऑल द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ COVID-19, वो सारे कदम उठाना है अपने आस पड़ोस में जिनकी सहायता से कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। जैसे आप कोविड के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दें, रोज दे रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पूरा ज्ञान चल रहा है, बट आप भी दें तो उनको बताएं कि कैसे आप कोविड को रोक सकते हैं, मास्क नाक के ऊपर क्यों लगाना है, व्हाट इज नेसेसरी टू वियर द मास्क एंड कवर योर नोज कंप्लीटली, अदरवाइज इन इंडिया मास्क इज ऑलवेज ब्लो द नोज, सो व्हाई इट इज नेसेसरी, तो वो आप बताएं उनको, व्हाट इज द यूज ऑफ सैनिटाइजर, तो इस सारी चीजों के बारे में जब आप अपनी सोसाइटी को अपने आसपास बताएंगे, यू विल बी एबल टू गेन द यूनिसेफ सर्टिफिकेट ऑफ द पार्टिसिपेशन एंड कंप्लीशन ऑफ टास्क, ऐसे आपको टास्क दिए जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, तो सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया है, सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, यूनिसेफ, लॉट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। मिस्टर मनोज आहूजा इज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली एंड 3rd of November 1962 सीबीएसई वॉज फॉर्म्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, आई होप न्यूज प्रॉपरली क्लियर होगा। हाँ, ये वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं, ये वाला आपका सीबीएसई ने लॉन्च किया है, सिंपल सा पॉइंट है, 2-3 चीजें बता चुका हूं, डेटा याद रखना है, मूवमेंट का नाम याद रखना है, अदरवाइज हम कई बार एग्जाम में मूवमेंट का नाम ही, इवेंट का ही नाम बोल जाते हैं कि क्या इवेंट लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, J&K हैज बिकम द फर्स्ट यूटी टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कोविड इफेक्टेड अंडर सक्षम स्कीम launched to provide the special pension and scholarship to the COVID victim families. तो जम्मू कश्मीर भारत का पहला संघ शासित
प्रदेश बन गया जिसने कोविड 19 से पीड़ित परिवारों के लिए विशेष पेंशन और छात्रवृत्ति मतलब कि आपका स्कॉलरशिप की फैसिलिटी अनाउंस की है। अब एक बार नॉर्मल और लैंग्वेज में बता दूं, जेएनके इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है, नॉट स्टेट, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है, जिन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है सक्षम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट, ऑलरेडी लॉट्स ऑफ स्टेट अनाउंस्ड, राइट? तमिलनाडु ने आपका अनाउंस किया हुआ है, उत्तराखंड ने अनाउंस किया हुआ है दैट दे विल गिव इवन रिजर्वेशन इन द अपकमिंग जॉब्स, तो उत्तराखंड अनाउंस कर चुका है, तमिलनाडु हैज अनाउंस्ड फॉर इट, और बिहार ने अनाउंस किया, सो ऑलरेडी लॉट्स ऑफ स्टेट हैज अनाउंस द रिलीफ पैकेज, बट द फर्स्ट यूटी जम्मू कश्मीर स्कीम इज सक्षम। स्कीम का नाम क्या है? तो सक्षम स्कीम, तो इसको नोट कर लें पहले, तो सक्षम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी, सो आंसर विल बी जेएनके। सेकंड, सक्षम में क्या दिया जाएगा सर, क्या सपोर्ट कर रहे हैं? स्पेशल मंथली पेंशन ऑफ 10 स्पेशल मंथली पेंशन ऑफ 1000 रुपी थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट ट्रांसफर आपको 1000 रुपी वहां पर मिल जाएगा। स्पेशल स्कॉलरशिप विल बी पेड ऑफ 20,000 रुपी एंड 40,000 रुपी, 20,000 रुपी एट द टाइम ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड 40,000 रुपी फॉर हायर एजुकेशन। तो 20,000 और 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप है, 1,000 रुपए का मंथली पेंशन है ऐसे परिवारों के लिए जिन्होंने कोविड 19 में अपने कुछ अपने लोगों को खो दिया, अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया सर। तो ये जम्मू कश्मीर का सक्षम स्कीम। आगे बढ़े आसाम कैबिनेट, स्टेट इन न्यूज में ही कंटिन्यू करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सारी चीजें क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है। आसाम कैबिनेट अपॉइंटेड मिनिस्टर हु विल एक्ट एज अ गार्जियन, मॉनिटर बोल सकते, क्लास मॉनिटर अपॉइंट करते थे जिसकी कोई कभी नहीं सुनता था, तो क्लास मॉनिटर अपॉइंट करने की बात हुई थी वैसे ही अब यहां पर आसाम कैबिनेट ने अनाउंस किया है दे आर गोइंग टू अपॉइंट वन मिनिस्टर हु विल एक्ट एज अ गार्जियन इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट of the state. So guardian will be given the responsibility of 2-3 district. यहाँ तो बड़ी बात होगी, मतलब 2-3 class का एक monitor बना दिया। बच्चे तो एक monitor की नहीं सुनते हैं class में। 2-3 monitor, 2-3 class का single monitor. So one guardian minister for 2-3 district will be appointed for the welfare scheme, implementation of infrastructure project, etc. मैं एक बार फिर से हिंदी में बोल दूं, असम की कैबिनेट ने मंत्रियों को, जो असम के अंदर मंत्री हैं, विधायक ही हैं, दे ऑल आर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट एमपी, तो जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को विभिन्न विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है सर। एक पिता माता के रूप में, गार्जियन के रूप में अपॉइंट किया है। गार्जियन विल बी असाइंड विद द सेक्रेटरी ईच एंड बोथ विल बोथ हैव टू विजिट ईच डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट वंस अ मंथ, मतलब हर एक गार्जियन को कम से कम महीने में एक बार वो डिस्ट्रिक्ट विजिट करना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी, अदरवाइज आप देखोगे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए, ये रियलिटी इंडिया की, दैट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए यू विल फाइंड सम टाइम हिम आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years वंस, दैट कि हाँ यार अब इलेक्शन आने वाले, आई शुड बी एक्टिव नाउ। After election, first 2-3 years, you will never ever find that person on road, you will never ever find that person in the constituency. तो minister, तो बड़ी बात हो गई, विधायक नहीं दिखते हैं आपके, तो अच्छा step है, appreciated step by the Assam government. Mr. Hemanta Biswa Sarma is the chief minister of Assam. I want to know that same person has been appointed as the president of one sports organization. इन्हीं को एक sports organization का president भी appoint किया गया है सर। किस जगह के president हैं ये sports organization के? तो badminton association of India, badminton association of India के भी president हैं ये, और इनको VP भी appoint किया गया है, vice president भी appoint किया गया है, कहां का? बैडमिंटन एशिया का। ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया, राइट? बैडमिंटन एशिया के भी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू नागपुर। कितने लोग हैं महाराष्ट्र वाले सर?
या नागपुर के आसपास के, रेज योर हैंड। हाँ भाई, नागपुर महाराष्ट्र, बिहारी हैं। चलो, बैडमिंटन एशिया पेट के अभी भी कुछ लोग, या तो मेरा चैट बॉक्स लेट चल रहा है। संदेश है महाराष्ट्र से, ठीक है संदेश। तो यहां पर न्यूज है रिलेटेड टू द महाराष्ट्र। नीरी, दैट इज नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी द डिटेल रिलेटेड टू इट। इट इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट क्रिएटेड एंड फंडेड बाय हूम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट फंडेड है। एस्टेब्लिश्ड इन नागपुर महाराष्ट्र इन 1958 में नागपुर महाराष्ट्र में इसको क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया है। रिसेंटली आईसीएमआर अप्रूव्ड सेलाइन गर्गल आरटीपीसीआर टेस्ट डेवलप्ड बाय नीरी फॉर द कोविड-19 डिटेक्शन। तो वो जो नोजल वो होता था ना आरटीपीसीआर, थोड़ा पेनफुल तो होता था यार। मैंने भी एक बार करवाया है व्हेन आई ट्रेवल्ड फ्रॉम बेंगलुरु टू मध्य प्रदेश लास्ट ईयर इन ऑगस्ट, तो उस समय मैंने आरटीपीसीआर करवाया था और बाय गॉड ग्रेस इट वाज नेगेटिव। तो वो थोड़ा तो पेनफुल होता है। गॉर्गल बेस्ड जो है ये ईजी है तो इसको, और इफेक्टिव भी है एंड इट गिव द रिपोर्ट इन जस्ट 3 आवर्स, सिर्फ 3 घंटे में ये रिपोर्ट दे रहा है। अब देखिए, जिनको समझ में अभी भी ना आया तो मैं आपको बता दूं, पानी लेना है, ठीक है, पानी लेना है, उस पानी को मुंह में डालना है, कुल्ला करना है थोड़ी देर के लिए, और वो जो किट है उसके अंदर थोड़ा सा पानी आपको वो छोड़ देना है, और उसके बाद वहां से वो जो सैंपल कलेक्ट हुआ है वो घर पर बैठे बैठे ही हो सकता है, उस बॉटल में आपको मिक्स करना है और वहां से रिजल्ट मिल जाएगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इजी है, एट होम वी कैन डू विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी वन वी कैन डू, किसी बिना किसी व्यक्ति के बिना सपोर्ट के इसको किया जा सकता है। आईसीएमआर ने इसको अप्रूव कर दिया है। मे बी दिस प्रोसेस विल बी अवेलेबल एज अ टेस्टिंग किट सून इन द मार्केट। तो याद रखिएगा that National Environmental Engineering Research Institute headquarters located at which place? तो ये located है कहां पर, नागपुर में सर, ठीक है, clear। चलिए आगे बढ़े, international news की बात करते हैं। TCS Tata Consultancy Services Innovation Hub in Amsterdam, मैं थोड़ा speed पकड़ता हूं। Tata Consultancy Services will bring the universities, businesses, startups, government together to its latest innovation hub in Amsterdam, Netherlands, to help the use of digital technology to solve sustainability challenges. तो भैया आपको तो एक पॉइंट याद रखना है, the TCS recently started their latest innovation hub at which place? Question number one. Question number two, in these of the following, which software company has started its latest innovation hub in Amsterdam, Netherlands? Answer will be TCS. Aur kuch bhi nahi hai. The challenges society is facing recently, usse related solution create karne ke liye, ye innovation lab or innovation hub banaya gaya hai. The name is TCS Paceport. The name is TCS Paceport in Europe, Amsterdam, Netherlands में इसको develop किया गया है। Next, sports news, Board of Control for Cricket in India confirmed that IPL Phase 2 will be held in UAE। कल मैं देख रहा था ग्रुप पे, कोई लिख रहा था कि why not that SBI can conduct the examination instead of postponing, SBI can conduct the examination in UAE। कि जब IPL UAE में कराया जा सकता है सर, तो हमारा जो एग्जाम है SBI का वो भी UAE में होना चाहिए, खर्चा लगेगा ना, सबको UAE ले जाना वापस लाना, खर्चा लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा वेट कर लो। एंड आई नो द स्टूडेंट दोज आर क्राइंग एट प्रेजेंट, सर एग्जाम पोस्टपोंडेड। And once the exam date will be announced, same student will ping me back, sir, how to prepare, sir, this much early, sir, the exam is just after 2 weeks, sir, what to do now, बहुत difficult है sir, कैसा करते हैं, अचानक से exam रखते हैं, they are crying in both situation, exam postponed हुआ तो भी रोएंगे कि हमारी तो तैयारी थी,
और एग्जाम सडनली आ जाएगा कि हाँ नाउ द एग्जाम विल बी आफ्टर 10 डेज, बिल्कुल शेड्यूल है, कॉल लेटर्स आउट, फिर रोएंगे कि सर क्या करे, सर कैसा करे, 10 दिन के बाद एग्जाम, पढ़ लो अभी, पढ़ लो अभी, पढ़ना जरूरी है, यूटिलाइज दिस टाइम टू गेट द रिटर्न आफ्टर वंस द एग्जाम डेट विल बी अनाउंस, उस समय आपको इसका फायदा मिलेगा, इसके रिटर्न मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई अनाउंस द फेज टू ऑफ आईपीएल विल बी कंडक्टेड इन यूएई इन द सेप्टेंबर अक्टूबर मंथ विंडो। इट इज कंफर्म्ड बाय मिस्टर सौरभ गांगुली, द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, जय शाह, द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई एंड द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई सिचुएटेड मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1928। ये याद रखें, 1928 में फॉर्मेशन हुआ था बीसीसीआई का। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं सर। So one gold and one silver medal India has won in ASBC Asian Boxing Championship held in Dubai. So point number one is that ASBC Asian Boxing Championship held at which place? Answer Dubai. Second, Mary Kom lost to two-time world champion Nazim Kazebi. So Nazim Kazebi of Kazakhstan, नाम भी बड़ा मिलता जुलता है कंट्री से, Nazim Kazebi of Kazakhstan, इनसे हार गई है। She won gold and our winner Mary Kom has won silver. ठीक है, तो सिल्वर मेडल इनको मिला है, ये सिल्वर हो गया, वन मेडल इज सिल्वर। By the way, Mary Kom won one silver in 2008. She has also won the world championship title in 2003, 5, 10, 12, 17. Past time ki world champion hai. Now, the second name is Pooja Rani. Pooja Rani won gold medal in 75 kg of middle category in the final Asian Boxing Championship. तो पूजा रानी जी यहां पर पिक मैंने रखा हुआ है। पूजा रानी जी 75 kg के कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो वन सिंगल वन गोल्ड इंडिया हैज वॉन फ्रॉम ASBC Asian Boxing Championship which was held in Dubai. आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्ट किचन स्कीम। स्मार्ट किचन स्कीम निम्नलिखित में से किस स्टेट ने लॉन्च किया है सर? केरला। बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर है केरला। व्हाट इज दिस स्कीम? इन दिस स्कीम स्टेट गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग लोन टू रिफर्बिश देयर किचन्स फॉर द फीमेल्स इन केरला, सिंपली फॉर मेकिंग द मॉड्यूलर किचन बनवाने के लिए लोन दिया जाएगा एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। केरला रिवाइज कर लेते हैं, फ्रॉम लॉट्स ऑफ डेज वी हैव नॉट रिवाइज्ड एनी स्टेट, तो रिवाइज कर लेते हैं केरला के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर, इट इज डेवलप्ड इन कुटूर केरला, एंड 108 करोड़ रुपए का यहां पर एक्सपेंस किया गया, इन्वेस्टमेंट रिसेंटली किया गया टू मेक इट वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये पॉइंट याद रखेंगे। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, इट इज डेवलप्ड एट काचीगुड़े केरला। फर्स्ट एलएनजी बस सर्विस वॉज स्टार्टेड इन कोची केरला। केरला हैज स्टार्टेड ब्रेक द चेन कैंपेन। कर्मी बोट रोबोट वॉज डिप्लॉयड इन एर्नाकुलम केरला टू सर्व द COVID-19 पेशेंट। पॉइंट नंबर फाइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट स्पेस टैक पार्क, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, स्पेस टैक पार्क स्टार्टेड इन त्रिवेंद्रमपुरम केरला। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, ये पॉइंट आपका एग्जाम में आ चुका है, एंड स्पेस टेक पार्क भी आ चुका है एग्जाम। देन पाटा पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020, सो केरला वॉज द स्टेट टू ऑनर्ड विथ इट।
फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीटली स्टार्ट द डिजिटल हाईटेक क्लासरूम इन ऑल द पब्लिक स्कूल. सरकारी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम बनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट. ये गैस भी करोगे तो मिल जाएगा. एजुकेशन के फील्ड में इतना रिवॉल्यूशनरी स्टेप केरला ही ले सकता है. केरला हैज सैंक्शन 9 करोड़ रुपी टू बिल्ड स्मार्ट आंगनवाड़ी. फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी नेम्ड केरला यूनिवर्सिटी फॉर डिजिटल साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड. तो इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टार्टेड इन विच स्टेट? स्टार्टेड इन केरला. एंड रिसेंटली स्मार्ट किचन द लोन फॉर मॉड्यूलर किचन स्कीम हैज बीन स्टार्टेड. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए सर. ठीक, चलो आगे बढ़े. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल न्यूज एंड बैंक्स इन न्यूज. पहला पॉइंट, इंडिया फिस्कल डेफिसिट एट 9.3% ऑफ जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 while the prediction was 9.5% estimated by the finance ministry. Matlab prediction se kam aaya hai. Projection was 9.5% and it came to 9.3%. What is the meaning of fiscal deficit? Fiscal deficit ka bahut simple sa matlab samjho. Income of government is 100 rupee and expense of government is 109 rupee 30 paisa. It is the expense. Means on each 100 rupee, government expense is 9 rupee 30 paisa higher. Har 100 rupee par, sarkar ka 9 rupee 30 paisa kharcha zyada hota hai. This is what the expenditure is. So income is this, expenditure is this. India is in the loss of 9 rupee 30 paisa on each 100 rupee. This is what the meaning of fiscal deficit. Yahi matlab hai fiscal deficit ka. Easiest way to understand what is the meaning of fiscal deficit. Is it clear to everyone? CC likh dijiyega ek bar. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. राजकोषीय घाटा कहा जाता है हिंदी में. संतोष जी ने बिल्कुल सही लिखा है. ठीक है, क्लियर है. हाँ, बहुत बढ़िया. तो ये हो गया आपका क्या, फिस्कल डेफिसिट. अब यहां पर सेकंड चीज बोली गई है, रेवेन्यू डेफिसिट. देखो, फिस्कल डेफिसिट कितना आया है अमाउंट के फॉर्म में. अगर पूछ लेगा व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, सो कितना अमाउंट आया है? 18.2 लाख करोड़. ये आपका फिस्कल डेफिसिट आया है. व्हाइल द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ इंडिया केम टू 7.42%. रेवेन्यू डेफिसिट वॉज 7.42%. वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू कलेक्टेड, द रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर लेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर. रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स द रियल इनकम ऑफ गवर्नमेंट लाइक टैक्सेशन, मेनली टैक्सेशन और द प्रॉफिट जनरेटेड बाय PSUs. तो जितनी भारत सरकार की सरकारी कंपनीज हैं वो प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, इसके साथ में जो भारत सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है मार्केट से, ये आपका आ जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट में. अगर सरकार का कमाया हुआ पैसा फ्रॉम टैक्सेस एंड द प्रॉफिट ऑफ PSUs इज लेस, वो पैसा अगर कम हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मतलब सैलरी पेंशन वेलफेयर स्कीम्स इन पर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, such situation is called revenue deficit. So revenue deficit आया है 7.42%. अगर इस साल का डेटा है, if it is visible, this chart visible to you? ये छोटा वाला चार्ट दिख रहा है क्या? मुश्किल है, मेरे को भी लग रहा है मुश्किल है. चलो मैं लिख देता हूं मेन इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर लिख देता हूं. दो तो लिख ही देता हूं. 2021-22 के लिए, 2021-22 के लिए नहीं दिख रहा ना, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं. अरे बस कोई दिक्कत. 2021-22 के लिए गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फिस्कल डेफिसिट विल बी एट 6.8%. देखो लास्ट ईयर का कितना है, 9.3 आया है. 6.8 प्रेडिक्शन रखा है. ठीक, ये फिस्कल डेफिसिट का प्रेडिक्शन रखा है गवर्नमेंट. रेवेन्यू डेफिसिट प्रेडिक्शन इज 5.1%.
5.1%, ये दोनों का बता दिया। लास्ट ईयर का 7.4 आया, इस बार का प्रेडिक्शन रखा है 5.1%, ठीक है। लास्ट ईयर प्रेडिक्शन रखा था 7.5, कम ही आया है, 7.42% आया है। दीज आर द प्रेडिक्शंस। अभी दो पॉइंट इनफ होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। सो इफ यू वॉन्ट टू सी द चार्ट, पूरा चार्ट आपको ये दिख जाएगा वहां पर, क्लियर है। आगे आ जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत मजे लेते हो आजकल ग्रुप के ऊपर मेरे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं SBI में, नाराज हो जाते हैं, मैसेज करते हैं सर क्या है सर आपके ग्रुप पे, सर हमारे बैंक के मजे लिए जा रहे हैं। ऐसा मत करो, ठीक है कभी कभी लिंक चली जाती है, बट यार लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, थोड़ी ना हम मजे लेंगे, ठीक। चलो आते हैं न्यूज की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PSB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर 5 लाख रुपीज फॉर द COVID-19 ट्रीटमेंट, अनाउंस्ड बाय SBI चीफ मिस्टर दिनेश कुमार खारा। खारा सर जी ने अनाउंस किया है दैट स्टेट बैंक विल बी प्रोवाइडिंग 5 लाख रुपीज फॉर पर्सनल लोन, डायरेक्टली आप बोलो पर्सनल लोन फॉर द COVID-19 ट्रीटमेंट, वी नीड दिस मनी एंड गवर्नमेंट एंड बैंक विल प्रोवाइड दिस लोन अप्रोक्सीमेटली एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियली स्टेट बैंक इज डूइंग अ टाइप ऑफ चैरिटी हियर, अदरवाइज स्टेट बैंक का कार लोन भी 8.5 पर चला जाता है और 9% पर चला जाता है। सो इफ स्टेट बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन एट 8%, इट इज रियली वेरी गुड। और किस चीज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19। COVID-19 ट्रीटमेंट के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज वॉट अनाउंस बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरपर्सन मिस्टर दिनेश कुमार खारा सर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं महिमा जी? बच्चे तो सारे बैंक में हैं, SBI वाले बहुत हैं, ठीक है, बच्चे सारे बैंक। सर पी एस बीज और SBI, देखो इन्होंने तो अनाउंस किया है कि PSBs, व्हाई इट इज पॉसिबल, बिकॉज मिस्टर दिनेश कुमार खारा इज VP ऑफ IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। So it is the possibility that he is announcing from the side of all PSBs, सारे PSBs की जगह से ये अनाउंस कर रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने अनाउंस यही किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल प्रोवाइड, नॉट ओनली SBI, ही अनाउंस दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल प्रोवाइड, ठीक है। अब देखो सारे बैंक्स इंप्लीमेंट करते ही नहीं करते, व्हाई आई एम सेइंग SBI, बिकॉज द चेयरमैन ऑफ SBI इज अनाउंसिंग, डेफिनेटली SBI इसको इंप्लीमेंट प्रॉपरली करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, फेक 500 रुपी नोट, गो एंड चेक योर वॉलेट गाइस, ऐसा ना हो कि आपके भी वॉलेट में एक रखा हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ना हो। आई विश दैट यू विल नॉट हैव सच फेक करेंसी इन योर पॉकेट, बट इट वॉज अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीरियस रिपोर्ट दैट 500 फेक नोट्स इन इंडिया इंक्रीजेस बाय 31% इन द लास्ट वन ईयर। देखो जॉब नहीं मिलेगा तो पीपल विल डू दिस टाइप ऑफ जॉब ऑल्सो। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, द क्राइम रेट विल ऑलवेज इंक्रीज व्हेन द लिटरेसी रेट डिक्रीजेस और द एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट का रेट डिक्रीज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है, साथ साथ में क्राइम रेट भी इंक्रीज होता है। 500 रुपी का नोट, फेक नोट इंक्रीजेस बाय 31%, 31% से इंक्रीज हुआ है 500 रुपी का नोट। रियल करेंसी इन द मार्केट इंक्रीजेस जस्ट बाय 25%। आपको पता है जो रियल करेंसी है मार्केट में वो 25% के आसपास इंक्रीज हुई है बस, बट द फेक करेंसी इंक्रीजेस बाय 31%। आप कंपेयर करो, सो 500 रुपी का नोट 31% से इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू द RBI रिपोर्ट। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड काउंटरफिट नोट सीज्ड बाय द पुलिस एंड अदर एनफोर्समेंट एजेंसी। ये उन नोट को इंक्लूड नहीं करता जो बड़े कंसाइनमेंट जो पुलिस ने या फिर अदर पुलिस एजेंसी उन्होंने सीज किए, ये उसको इंक्लूड नहीं करता। इट इज व्हाट द डिटेक्टेड बाय द बैंक्स
एंड द बैंकिंग ऑफिशियल्स, वो 31% इंक्रीज हुआ है। आप कंपेयर कर लो, ये उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। 500 रुपी नोट अकाउंटेड 68.4% ऑफ ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ लास्ट ईयर। जो टोटल सर्कुलेशन था उसमें अप्रोक्सीमेटली 70% आपका 500 रुपी का नोट था सर, ठीक है। हाँ चलो आगे आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है संतोष झा जी, आरबीआई का एक ऐप है, आरबीआई का ऐप है, उसके थ्रू आप इजीली जो फेक करेंसी नोट्स हैं उसके सारे डिटेक्शंस वगैरह, आरबीआई कहता है कैंपेन है ना, आरबीआई कहता है गूगल पे सर्च करिएगा, यू विल बी एबल टू गेट ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द करेंसी नोट, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक करेंसी और अ रियल करेंसी, कि रियल करेंसी और फेक करेंसी को आइडेंटिफाई करना है तो। नेक्स्ट आधार पूनावाला अपॉइंटेड एज मैग्मा फिनकॉर्प चेयरपर्सन। सो दिस मैग्मा इज अ NBFC, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, इट्स अ नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन मुंबई, हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन मुंबई। मिस्टर आई डोंट थिंक एनीवन इन इंडिया इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हु इज दिस पर्सन। ये भी इंडिया छोड़कर भागे, पता है आपको, ही ऑल्सो लेफ्ट इंडिया, रेन फ्रॉम इंडिया एंड रिसाइडिंग इन लंडन एट प्रेजेंट, लंडन बेस्ट प्लेस है बचा हुआ, बट ही वॉज रनिंग फ्रॉम इंडिया बिकॉज ही वॉज सेइंग दैट दैट आई वॉज गेटिंग द थ्रेट्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर फोन लगा के डरा देते थे, धमका देते थे कि वैक्सीनेशन चाहिए नहीं तो बताते हैं बेटा तुमको। इन्होंने सोचा इट्स बेटर टू लीव इंडिया, तो ये वैसे पैसे खा के नहीं भागे इंडिया से, इनको डर लग रहा था सो ही लेफ्ट इंडिया, नाउ ही इज सिटिंग इन वेयर, इंग्लैंड। हाँ तो मिस्टर आधार पूनावाला, इनकी एक कंपनी है राइजिंग सन होल्डिंग्स, इज द ओनर ऑफ राइजिंग सन होल्डिंग्स। दिस राइजिंग सन होल्डिंग्स नाउ एक्वायरिंग 60% ऑफ स्टेक इन मैग्मा फिनकॉर्प। तो ये राइजिंग सन होल्डिंग कंपनी ने 60% एक्वायर कर लिया मैग्मा फिनकॉर्प में। After that, जो मैनेजमेंट है उसको चेंज किया गया एंड नाउ सर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ मैग्मा। इसीलिए ये ओवरऑल न्यूज है और एग्जाम में तो आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, हु इज द हेड ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर्म्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, who has been appointed? So Mr. Nilesh Shah, the president of Mutual Fund Association of India, आज अच्छे से याद है मुझको, Mutual Fund Association of India के भी president हैं, इनको भी recently appoint किया गया है head of the committee on the investment fund formed by International Financial Service Center Authority. तो IFSCA ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का हेड बनाया है इनको, डू नॉट गेट कंफ्यूज, द चेयरपर्सन ऑफ IFSCA इज मिस्टर इंजेती श्रीनिवास सर। तो इंजेती श्रीनिवास सर प्रेसिडेंट हैं IFSCA के, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफेंस न्यूज है, पिक लगाना भूल गया मैं, तो पिक है आपके पास मिसिंग, मैं कल कोशिश करूंगा लगा दूंगा, ठीक है। डिफेंस न्यूज में है, डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मिस्टर कुलदीप सिंह हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। NIA का एडिशनल चार्ज दिया गया है कुलदीप सिंह सर को, हु इज द डायरेक्टर ऑफ CRPF। CRPF के डायरेक्टर है मिस्टर कुलदीप सिंह सर। 31st ऑफ दिस मंथ YC मोदी इज गेटिंग रिटायर। मोदी साहब जो हैं अभी तक वो NIA के चीफ थे, ये हमारे पीएम मोदी नहीं है, YC मोदी हैं। तो मिस्टर YC मोदी वॉज द चीफ ऑफ NIA, वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर कुलदीप सिंह सर एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। NIA हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन द ईयर 2009, राधा विनोद राजू इज द फाउंडर ऑफ NIA। ये कल मैंने बताया था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग डायरेक्टर सुमंत कुमार गोयल जी,
आईबी चीफ मिस्टर अरविंद कुमार गॉट द एक्सटेंशन फॉर वन ईयर का एक्सटेंशन मिला, ये कल हमने डिस्कस किया डिटेल में। इसके बाद सुब्रमण्यम मिस्टर बीवीआर सुब्रमण्यम हैज बीन अपॉइंटेड एज द कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी वाणिज्य सचिव अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है तो बीवीआर सुब्रमण्यम इज द नेम ऑफ हिम, बीवीआर सुब्रमण्यम इज द नेम ऑफ हिम, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी अभी करंट में है राजीव गोबा, अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, होम सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी रवि मित्तल, हर्ष कुमार सिंगला हर्षवर्धन श्रृंगला, मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी, और टीवी सोमनाथ सर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रिसेंटली अपॉइंट हुए, अजय सेठ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और तरुण बजाज आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी, क्लियर ठीक। नेक्स्ट बरश अल असद फोर्थ टाइम री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बाय अ कंप्लीटली नाइदर फ्री नॉर फेयर इलेक्शन, कंप्लीटली नाइदर फ्री और नॉर फेयर इलेक्शन से ही हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया फॉर फोर्थ टाइम, चौथी बार। बुक्स एंड ऑथर्स, एक बुक आई है द लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ Essays 2003-2020, authored by Salman Rushdie। तो सलमान रुश्दी सर का नया बुक आया है, इस बार ये डिफेंसिव मूव में है, डिफेंसिव मूव मतलब मैं भी होता हूं कभी कभी, आपने ध्यान दिया डिफेंसिव मोड में, गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज भी कर दो बट कोई प्रूफ भी ना कर पाए, तो बस वही वाला जो मूड होता है वो कहीं ना कहीं आपका जो है एक डिफेंसिव मूड होता है, उस मूड में भी इन्होंने बुक लिखी हुई है ठीक। अवार्ड्स फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन, बस लास्ट 3 मिनट्स है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड 2020। इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड 2020 से ऑनर किया गया है भारत रत्न प्रोफेसर सी एन राव सर को, बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन हाइड्रोजन एनर्जी एज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, तो हाइड्रोजन एनर्जी पर ये काफी टाइम से काम कर रहे हैं, इसके लिए इनको ये ऑनर दिया गया है। एक लास्ट न्यूज आज का डिस्कस कर रहा हूं, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड ऑनर टू नोबल लिटरेट मिस्टर अमर्त्य कुमार सेन सर, द फर्स्ट नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट इंडियन हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, पहला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहले भारतीय जिनको सम्मानित किया गया था नोबल प्राइज से, अभी इनको हाल ही में अनाउंस किया गया है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड इन सोशल साइंस कैटेगरी विच इज स्पेन टॉप प्राइज, स्पेन का सबसे शीर्ष पुरस्कार, स्पेन का सबसे मतलब इंडिया लाइक भारत रत्न इन इंडिया, तो स्पेन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 41 कैंडिडेट फ्रॉम 20 कंट्रीज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इट, वन ऑफ देम इज मिस्टर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जी उनमें से एक हैं सर, क्लियर है। अब यार स्पेन वालों ने नाम रखा है तो नाम रहने दो, प्रिंसेस अवार्ड क्यों है तो होगा वहां के किसी प्रिंस के नाम पर, प्रिंसेस के नाम पर, वो रहने दो। मैंने चेक नहीं किया है प्रैक्टिकली बताऊं तो, मैंने इन डिटेल जाकर चेक नहीं किया, मुझे लगा नहीं था कि कोई पूछेगा नहीं सर प्रिंसेस क्यों है सर, प्रिंस क्यों नहीं है सर, तो मैंने इसलिए चेक नहीं किया, तो फिर भी मैं देख लूंगा, आपने पूछा है तो डेफिनेटली व्हेन द डे आई विल डिस्कस एमसीक्यू मैं देख कर जरूर बताऊंगा ठीक है। चलो भाई तो चलते हैं, आज सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक्स for all of you guys to respond properly for TNA, giving so much time, 1 hour time nowadays you start giving for TNA, तो एक घंटे daily पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एक दिन में आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती, and there is a surprise for you for TNA, कल वो surprise के बारे में बताऊंगा, एक TNA में आप लोगों को surprise भी मिलने वाला है बहुत जल्दी ठीक है, तो वो surprise आपको मिलेगा कल, कल तक के लिए wait करो फिर बताता हूँ। चलो आई विल मीट यू नाउ गाइस टुडे इवनिंग 5 o'clock वी हैव अ पेड सेशन ऑन ऑलिव बोर्ड, टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑलिव बोर्ड, जय हिंद। रीच बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड कट ऑफ,
गेट द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। ज्वाइन ऑलिव बोर्ड एसबीआई क्लब क्रैश कोर्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस टू सॉल्व इन मिनिमम टाइम लिमिट। कम आउट ऑफ एग्जाम सेंटर विद कॉन्फिडेंस। ज्वाइन ऑलिव बोर्ड एसबीआई क्लब क्रैश कोर्स टुडे।